अगर वो आपके लिए फ्यूचर में ये करेगा तो उसके साथ जरूर रुकना। तुम्हारा हाथ पकड़ेगा रोड क्रॉस करते हुए। वो आपको हमेशा प्यार करेगा, आपकी इमैच्योरिटी पे भी, आपके इम्परफेक्शन में भी और आपके मूड स्विंग्स में भी। तो ये है शिवम मलिक। इनका मानना है कि इस दुनिया में ज्ञान कम होता देख के भगवान ने खुद इनको ज्ञान पेलने के लिए इस दुनिया में भेजा है। ये खुद को मोटिवेशन स्पीकर बताते हैं, तो भाई इनके मोटिवेशन से मैं तो मोटिवेट हो गया हूँ ये वीडियो बनाने के लिए। तो चलो देखते हैं इनकी ज्ञान गंगा आपको कितना मोटिवेट करती है। जो फेक फ्रेंड्स होते हैं ना, नकली दोस्त होते हैं, वो ऐसे होते हैं। वो कॉल या टेक्स्ट जब करेगा जब उसे आपकी जरूरत होगी। वो आपकी जिंदगी की इंपॉर्टेंट चीजें भूल जाएगा, जैसे आपके बर्थडे या कोई भी। शिवम भाई तुम यार मोटिवेशन के नाम पे ना लोगों की दोस्तियों में दरार मत डालो प्लीज भाई। अब भाई कोई तुम्हें बार बार फोन करेगा, हेलो भाई कैसे हो क्या हो, तो यार तुम इरिटेट हो जाओगे ना यार। सच्चा दोस्त भाई वो होता है जो जरूरत के टाइम पे काम आ जाए और वो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा सिचुएशन आने पे बिना किसी मोटिवेशन के। तो भाई की तुम प्रोफाइल देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा भाई ने स्पेशली हिमालय पर तपस्या करके दुनिया जान का ज्ञान अर्जित करके अपनी इंस्टा प्रोफाइल बनाई है। शिवम भाई तुम्हें कच्ची उम्र में मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी ताकि तुम किसी एक स्ट्रीम पे मन लगा लेते, तो इतनी सारी स्ट्रीम में मुंह मारने की जरूरत नहीं पड़ती। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। अगर आपको रात को टाइम पे नींद नहीं आती है तो 20 सेकंड के अंदर आपको टाइम पे नींद आने वाली है, सिर्फ 20 सेकंड। टेक्निक का नाम है 4-7-8 मेथड। आपको 4 सेकंड तक नाक से सांस लेनी है, 7 सेकंड तक आपको होल्ड करके रखनी है अंदर, उसे रोक के रखनी है, और 8 सेकंड तक आपको उसे मुंह से बाहर निकालना है। अरे शिवम भाई तुम अपनी प्रोफाइल में डॉक्टर लिखवाना तो भूल ही गए यार। शिवम भाई द मसीहा के इस ज्ञान के बाद इंडियन गवर्नमेंट सारे उन डॉक्टर को फांसी की सजा सुनाने वाली है जो नींद के नाम पे पेशेंट को स्लीपिंग पिल देते हैं। और शिवम भाई की ज्ञान गंगा यहाँ तक सीमित नहीं है, साइकोलॉजी के क्षेत्र में भी इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। ये थोड़ा सा शॉकिंग है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप अपने सपने में किसी को देखते हो, रात को सोते हुए अपने सपने में किसी को देखते हो, तो वो इंसान आपको रियल में देखना चाहता है। शिवम भाई मेरे भी सपने में पिछले 3-4 हफ्ते से विराट कोहली आ रहा है, तो इसका मतलब वो मेरे से मिलना चाहता है। शिवम भाई ये जो तुम सविता भाभी की कॉमिक्स पढ़ पढ़ के ज्ञान अर्जित करके डेली एक रील पेल देते हो ना, मत किया करो भाई ऐसा, प्लीज मत किया करो यार। वीडियो से आपकी पर्सनैलिटी चेक होगी। स्क्रीन पर देखिए बर्थ मंथ के सामने एक नंबर लिखा हुआ है, अब उसे डबल करिए, जो आंसर आएगा उसमें 10 प्लस करें। अब सामने नंबर देखिए और बताइए आपकी पर्सनैलिटी क्या है। भाई कोई इंसान पढ़ा लिखा है, अपनी जिंदगी में खुश है, अपनी लाइफ बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहा है, और दूसरी तरफ एक इंसान है जो अपनी लाइफ में बहुत परेशान है, चैलेंजेस फेस कर रहा है, दुखी है, तो इसके पीछे उसके डिसीजंस का, उसके हार्डवर्क का कोई मतलब नहीं है, इसके पीछे रीजन है उसकी डेट ऑफ बर्थ का। शिवम भाई ये जो तुम मोटिवेशन के नाम पे चोद भांगड़ा कर रहे हो ना यार, इसको ना सल्यूट है। मोटिवेशन के नाम पे भाई जो ये तुम लेम गेम्स यूज कर रहे हो ना भाई, ये 5th स्टैंडर्ड में बहुत देख लिए मैंने, कुछ नया यार ओरिजिनल कंटेंट लाओ ना। खैर न्यू तो क्या ही करेंगे शिवम भाई, कंटेंट चोरी करने का टैलेंट भी रखते हैं। इमेजिन करिए कि बैंक आपको डेली 86,400 रुपए आपके खाते में डालता है खर्च करने के लिए, पर वो 24 घंटे बाद गायब हो जाएंगे। जैसे 50,000 आपने खर्च करे, बाकी के गायब हो गए, पर अगले दिन आपको दोबारा से 86,400 रुपए मिलेंगे, तो आप क्या करोगे? सारे इस्तेमाल कर लोगे ना अच्छे से, एक भी पैसा वेस्ट नहीं होने दोगे ना। तो दोस्तों आपको डेली 86,400 सेकंड मिलती है जो आप वेस्ट कर रहे हो, उन्हें इस्तेमाल करिए अपनी खुशियों में, अपनी हेल्थ में, अपनी तरक्की में, क्योंकि घड़ी का कांटा तेजी से भागता जा रहा है, लेट मत हो जाना। शिवम भाई एकदम ओरिजिनल कंटेंट, एकदम। Imagine if you wake up every day with $84,600 in your bank account, and every day you get 84,600 seconds. Why waste time? शिवम भाई और कुछ करें या ना करें, लेकिन कॉपी करने में अपनी कंसिस्टेंसी कभी नहीं छोड़ते। कोई पानी की बोतल खरीदता है बाहर से, तो ये जो ऊपर का बोतल का ढक्कन है, इसको पहले ऐसे प्रेस करना है और इसके अंदर डाल देना है। ये इस वजह से डाला हमने कि अब कोई, जैसे हम इसे बाहर फेंकते हैं, कोई दोबारा से इस्तेमाल करके हमें पानी की बोतल पुरानी भर के नहीं दे सकता। अब ये ढक्कन इसके बाहर नहीं निकल पाएगा, कितनी कोशिश कर ली जाए। आप भी ट्राई कर सकते हैं, निकलेगा। ढक्कन को ऐसे दबा के अंदर डाल दी, अब ये बोतल बर्बाद हो गई। अरे वाह शिवम भाई आपका प्रोसेसर तो मेरे लैपटॉप के प्रोसेसर से भी बहुत तेज है यार कॉपी पेस्ट करने में, भाई वाह मौज कर दिया। परेशान हो वैलेंटाइन डे पे, तो एक काम करना, कपल्स के पास जाके बोलना, ओए यार पहले वाली ज्यादा अच्छी थी। अरे यार ऐसा कैसे सोचते हो? तुम अपने घर के सामने वाले पार्क में घूम रहा था और मेरे पड़ोस में एक बच्चा रहता है 12 साल का, और बोल रहा था बेबी क्या प्लान है वैलेंटाइन के। यार हमारी तो शक्ल इतनी खराब है कि लड़की गुलाब तो छोड़ो, मतलब सब्जी वाला फ्री में धनिया और मिर्च बिन देता। 4-5 दिन क्या उखाड़ लेंगे मेरा।
अरे शिवम बाबा, लोगों को मोटिवेट करके उनका दुख कम करना है भाई, ना कि अपना दुख जग जाहिर करना है। वैसे शिवम भाई के सारे दुख का रीजन है ये। डे पे 80 रुपए का रोज आएगा, प्रपोज डे पे 500 रुपए की रिंग आएगी, चॉकलेट डे पे 150 की चॉकलेट आएगी, टेडी डे पे 1500 रुपए का टेडी आएगा, प्रॉमिस डे पे 1000 रुपए लगेंगे रेस्टोरेंट में खाने में, हग डे पे घूमने फिरने में 1000 लगेंगे, किस डे पे 1000 रुपए का रूम, और वैलेंटाइन पे खाने पीने से लेकर सारी चीजों में 2-3 हजार तो कम से कम लगेंगे। तो आप इन सारी मोहमाया से दूर है तो आप 8,430 रुपए बचा लेंगे। इन पैसों से अपने मम्मी पापा के लिए गिफ्ट खरीदिए और उनके चेहरे पे जो मुस्कान होगी ना, वो दुनिया में सबसे बढ़कर होगी। चलो भाई, वैसे बात तो सही है यार, हमें अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए। अब शिवम बाबा ने इतना ज्ञान दिया है, मोटिवेशन की बात कही है, तो मैं बात मान ही लेनी चाहिए। ये 6 आदतें देखी जाती हैं, उन्हें लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद करती हैं और चाहती हैं डेट करना। लड़कियों को वही ज्यादा लड़के पसंद आते हैं जिनकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होती है, हाथ में घड़ी, जूते साफ होना, अच्छे बाल होना। जो लड़के जिम करते हैं, अपनी बॉडी को फिट करते हैं, मैं सिक्स पैक एब्स की बात नहीं कर रहा। अगर आप लड़की से फ्लर्ट करोगे तो उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसकी नजरों में गिर जाओगे, सिंपल रही है। जिन लड़कों का नेचर सीरियस सा होता है, गंभीर सा होता है, लड़कियों के पीछे नहीं भागते, वो भीड़ से अलग होते हैं, वो उन्हें पसंद आते हैं, जो अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस होते हैं और कुछ बनना चाहते हैं। अरे शिवम बाबा, आपको तो आपकी आयरनी की वजह से आयरन मैन घोषित कर देना चाहिए। मैं सही बता रहा हूँ, आपका मोटिवेशन समझने के लिए ना मेरे को अलग से मोटिवेशन की जरूरत है। चलो बाकी, लेकिन क्या कह सकते हैं, अब शिवम भाई ने बोला है तो इनकी ये वाली बात भी मान लेते हैं। इनकी बात से इंस्पायर होकर मैं भी सोच रहा हूँ कि एक गर्लफ्रेंड बना ही लेता हूँ। ऐसे में बड़ा सख्त लौट रहा हूँ, लेकिन यार यहाँ मैं पिघल गया। यार बेबी थैंक गॉड जो आप मेरी जिंदगी में आ गई। अब मुझे ना जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, और मैं पता है क्या सोच रहा हूँ कि आपके लिए ना तारे तोड़ के लाता हूँ। बताओ कौन से कलर के तारे चाहिए आपको? रेड। लेकिन तारे तो बहुत ऊपर होते हैं, तुम कैसे लाओगे? अरे बेबी टेंशन क्यों ले रही हो, मेरे डैड का ना तारों का बिजनेस है, ये जितने भी तारे लगे हुए ना मेरे डैड ने लगवाए हुए हैं, तो 2-4 आपके लिए भी ले आऊंगा। अपनी 20 साल की एज में अगर आप ये चीजें करते हो ना, तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। ये टाइम रिजर्व नहीं है डेटिंग के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, ये टाइम तुम्हारे लिए है। तुम्हें खुद को पहचानना है, समझना है खुद को कि क्या चाहिए तुम्हें सच में। अगर आप अपना सारा फोकस सिर्फ प्यार को ढूंढने में लगा दोगे इस एज के अंदर, तो बहुत कम अटेंशन दे पाओगे अपने पैशन को, अपने सपनों को, अपने दोस्तों को। तो ये जो अंबुजा सीमेंट की दीवार लगी पड़ी है ना, इसे तोड़ दीजिए अपने सामने से और जी लो अपनी जिंदगी। बेबी बेबी गया बाढ़ में, आज के बाद कोलिया मैसेज मत कर दियो मेरे को, समझ गई? वरना चटका दूंगा। तारे चाहिए इनको, तेरे घर वालों ने देखे कभी लाल कलर के तारे? एक मिनट बेबी, बेबी हट। दुनिया तो दूर होइए, ओथे ना होवे और कोई। आई लव यू, मैं तुम्हारी सांसें महसूस करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दिल की धड़कन सुनना चाहता हूँ, मैं तुम्हें टेक्स्ट करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ तुम मेरी बाहों में हो। भाई मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। मोटिवेशन के नाम पे मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो प्लीज भाई, मत करो यार। 12 महीने के लिए गायब हो जाओ इस दुनिया से, 12 महीने के लिए गायब हो जाओ। 12 महीने के लिए गायब हो जाओ, अब इनको थैनोस भी बनना है। बोल 12 महीने रहा है, लिख 6 महीने रहा है। शिवम भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता यार, इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, सॉरी भाई। भाई मोटिवेशन एक लिमिट तक ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इसके चक्कर में आप अपनी पूरी जिंदगी निकाल दो। सबकी प्रॉब्लम्स अलग होती है, सबकी कंडीशन अलग होती है, तो इसके लिए आपको ऐसे मोटिवेशन की नहीं, आपको खुद से अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा। ये सब मोटिवेशन आपको टेम्परेरी मोटिवेटेड तो कर देगा, बट लॉन्ग टर्म नहीं कर पाएगा। तो ऐसा कोई भी बंदा भाई जो अपनी लाइफ में कुछ भी चैलेंजेस फेस कर रहा है, डिप्रेशन में या कोई भी उसकी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, वो मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकता है @IAmRahulKatal पे, तो हम कोशिश करेंगे मिलके भाई के उसकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकाल सके, क्योंकि भाई सबकी प्रॉब्लम्स अलग होती है, मैंने पहले भी बताया है। बाकी किसी को कोई हेट देने की जरूरत नहीं है यार, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सब बढ़िया कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना दबा के, और मेरा एक दूसरा चैनल है जिसमें मैं डेली ब्लॉग्स डालता हूँ हॉस्टल लाइफ और कॉलेज लाइफ से रिलेटेड, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और मिलते फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।